हेलो फ्रेंड, MS Excel 2013 सीखने की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप MS Excel सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस होती क्या है? आजकल आपने देखा होगा कई शॉप पर आपको कंप्यूटराइज रिसिप्ट मिलती है। कंप्यूटराइज रिसिप्ट को ही हम इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस MS Excel सॉफ्टवेयर में आप इजिली बना सकते हैं यदि आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, और यदि आप आज तक एक मैनुअली रिसिप्ट दे रहे थे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक कंप्यूटर रिसिप्ट बनाकर अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इनवॉइस बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, MS Excel सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। MS Excel सॉफ्टवेयर मेरा यहां पर ओपन हो चुका है। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले A4 का पेज सेट करना है। A4 का पेज सेट करने का मतलब होता है कि आप इनवॉइस का प्रिंट जिस पेज पर निकाल के देंगे उस पेज की जो बाय डिफॉल्ट साइज होगी वो होगी A4। तो आपको भी अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर A4 का पेज सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से साइज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा A4 का पेज सेट हो चुका है। जैसे ही A4 का पेज सेट होगा तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ डॉट 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 सी लाइन अलग से नजर आ रही है। ये लाइन बता रही है कि यदि आपने इसके बाहर काम करा तो वो A4 के पेज पर नहीं आएगा। ऐसे ही ये लाइन सेम नीचे की ओर यानी बॉटम में भी डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पर भी यदि आपने नीचे इससे बाहर काम करा तो ये भी आपके A4 के पेज पर नहीं आएगा। तो इट मीन्स आपको जो इनवॉइस बनाने के लिए क्राइटेरिया सेट करना था वो ये है। आपको केवल इसके बीच में इनवॉइस को तैयार करना है। जो भी आप परफॉर्मा तैयार करेंगे उसको केवल आपको इसी पार्ट में बनाना है। अगर आपने बाहर बनाया तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। तो देखिए, इनवॉइस बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। देन मेरे पास एक कंप्लीट इनवॉइस है, उसे आप अपने वीडियो को पॉज करके वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, इनवॉइस बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक एरिया सेलेक्ट कर लें। देखिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या करें, माउस के पॉइंटर को सेल पे रखें और माउस का बटन प्रेस करते हुए जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना पहले सेलेक्ट कर लें। देन होम मेन्यू में आपको यहाँ पर ये कुछ बॉर्डर के ऑप्शन मिलेंगे। इस कोने पर क्लिक करेंगे तो आपको बॉर्डर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे मेरे जो मैंने एरिया सेलेक्ट करा था उसके चारों तरफ क्या लग गई, बॉर्डर लग चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं ऐसे ऊपर की ओर कुछ सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हो सकता है अपनी शॉप का नाम या एड्रेस दिखा दूँ, ऐसे मैं कुछ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे आप भी ऐसे सेलेक्ट करिए, आप हो सकता है और बेटर बना लें, ये एक डमी एग्जांपल है। देखिए, फिर से मैं यहाँ पर एक और बार सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ मैंने ऐसा सेलेक्ट करके और यहाँ पर जस्ट बॉर्डर पर क्लिक करा जिससे ये ऐसा बनता जा रहा है। देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ ऐसा इतना सेलेक्ट करा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया बॉर्डर के ऑप्शन पर अगेन, तो ये फिर से आ गया। अब यहाँ पर मैं देखिए इसको नीचे की ओर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मैं इसको भी कर लेता हूँ एंड इसको भी कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं पूरे को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको करना क्या है, केवल सेलेक्ट करना है। ऐसे मैं यहाँ से, मेरे लिए थोड़ा सा छूट गया था, इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैंने इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार कर लिया है। आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अच्छा तैयार कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम डाल सकते हैं, 3 नंबर वगैरह डाल सकते हैं और जो भी एक शॉप से रिलेटेड डिटेल होती है, आपने कई तरह के बिल देखे होंगे, इनवॉइस देखी होगी, जो ऊपर हेडलाइन होती है उस हेडलाइन को आपको यहाँ तैयार करना है। शॉप का नाम होता है उसमें, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, टिन नंबर वगैरह होता है, वो सब आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा बड़ा बनाना होगा। ये केवल एक एग्जांपल है तो मैंने आपको छोटा सा बनाकर दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक शॉप का नाम डाल देता हूँ। तो देखिए, शॉप का नाम डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सभी जो सेल थी उनको एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, सभी सेल आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक ही मेरे पास क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से ये
जो वडाट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक शॉप को नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सपोज माइक्रो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दें। और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, और अब देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं इतना सेलेक्ट करा मैंने सेल्स को, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मैंने तीनों सेल्स को आपस में सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैंने तीनों सेल्स को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मूव हो गया, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करा, तीनों सेल्स को मैंने आपस में सेलेक्ट करा, देन मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये मैंने इसलिए करा ताकि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकूँ डेट, डेट देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इनवॉइस नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी जो रो है इसको पूरी ब्लैंक कर लूंगा, यानी मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर ब्लैंक कर लूंगा, ताकि मैं यहाँ पर नाम डाल सकूं, कस्टमर का नेम डाल सकूं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ब्लैंक कर लिया। ठीक है, इनका जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्या होता है, इनका जो अलाइनमेंट है वो मैं कैसे सेट करूंगा, देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने इनका किया और यहाँ से मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। कुछ मैंने इस तरह से इनका अलाइनमेंट सेट कर दिया। क्या करा, सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट पर क्लिक कर दिया और सेंटर पर क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए देखिए मैंने सेल को और नीचे वाली सेल को आपस में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैं सभी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं सभी सेल को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, इन दोनों को नीचे की ओर मर्ज एंड सेंटर, ऐसे इन दोनों को नीचे की ओर मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या हुआ, ये मर्ज हो गई, ब्लैंक हो गई। यहाँ पर मैं देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर दे देता हूँ आइटम नेम और यहाँ पर दे देता हूँ क्वांटिटी, यहाँ पर दे देता हूँ अमाउंट, एमटी लिख देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ टोटल अमाउंट, टोटल दे देता हूँ। ओके, ठीक है। कुछ आपने भी देखा होगा जो बिल होता है, इनवॉइस होती है या रिसिप्ट आप उसे कह सकते हैं, उसका भी कुछ लमसम ऐसा ही कुछ परफॉर्मा होता है। इसकी डिजाइनिंग आप और अच्छे से कर सकते हैं, और यदि आप डिजाइनिंग नहीं जानते कि किस तरह से करते हैं, तो मैंने एमएस वर्ड की एक कम्प्लीट सीरीज अपलोड करी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एमएस वर्ड को पहले अच्छे से सीखें ताकि आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाए, फिर आप एक्सेल में और बढ़िया काम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से ये टू सेल को मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिया। एक और मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैंक, मैंने इस तरह से ब्लैंक करा है। ठीक है, ऐसे मैं कंप्लीट नीचे तक कर लूंगा, बट देखिए एग्जांपल के लिए बहुत है इतना। यहाँ पर मैं कुछ सीरियल नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेन जो है इसके अंदर वो है फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊंगा वो देखिए, कि यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूँ, इस जगह पर मैं कोई क्वांटिटी एंटर करूँ। यदि मैंने कोई आइटम यहाँ लिया, उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर डाली और क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एंटर करी, एक का कितना प्राइस है वो प्राइस मैं यहाँ एंटर करूँगा, कितना अमाउंट है वो यहाँ एंटर करूँगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ टोटल आ जाना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं कहाँ पर लगाऊंगा, जहाँ मुझे ऑटोमेटिक लाना है। तो मैंने यहाँ पर सेल पर रखा, इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद क्वांटिटी वाली सेल पर क्लिक करा, देन मैंने इनटू का साइन लगाया, इनटू का साइन लगाया और देन मैंने अमाउंट पर क्लिक कर दिया, यानी अमाउंट वाली सेल पर क्लिक कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर जीरो आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेल को नीचे की ओर खींच दूंगा ताकि ये फॉर्मूला सभी पर अप्लाई हो जाए। यहाँ तक मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये जीरो जीरो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई डाटा एंटर नहीं करा। तो डाटा मैं आपको लास्ट में एंटर करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला कैसे लगाया था मैंने, क्वांटिटी अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ पर टोटल आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मैंने आइटम परचेस करे उसका यहाँ पर मुझे टोटल दिखाना है। तो यहाँ मैंने लिखा TOTAL टोटल और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा जिसका नाम है सम, जो ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ पर मेरा देखिए सम का फॉर्मूला लग चुका है। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई डाटा नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर वेट लगा के दिखा रहा हूँ। तो मैं कैसे बना रहा हूँ फॉर्मूला, उसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखिए मैं 5% वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यदि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है, परसेंट कैलकुलेट करना आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर टोटल लगे उस टोटल का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5% कैलकुलेट कर लूँगा। तो किसका 5%? जो भी इस फील्ड में आए, इस सेल में आए, उसका 5% यहाँ शो हो जाए। तो उसके लिए इक्वल लगाएं, सबसे पहले यहाँ क्लिक करें, जहाँ पर आपको जिसका 5% कैलकुलेट करना है वहाँ क्लिक कर जाओ सेल पर मैंने, देन इनटू लगाया, देन 5 प्रेस किया, देन डिवाइड का साइन लगाया और 100 लिख दिया। अब मुझे क्या करना, एंटर। 0 आएगा अभी तो, क्योंकि वही डाटा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखिए क्या होता है, अब मुझे ग्रांड टोटल लगाना है। ग्रांड टोटल क्या होगा, जो मेरा टोटल है उसमें 5% जो वेट कैलकुलेट हुआ है वो ऐड हो जाना चाहिए, टोटल में ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी टोटल, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा वही सम वाला, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाए, जो मेरा टोटल है वो वेट के साथ ऐड हो जाए, तो ग्रांड टोटल आ जाए। ठीक, उस तरह से इनवॉइस तैयार हो गया। अब देखिए इसका असली फायदा आपको क्या होने वाला है, आप बस डाटा एंटर करिए, सब अपने आप आपका कैलकुलेट होता जाएगा। सपोज मैंने एक कीबोर्ड खरीदा, मैंने यहाँ पर देखिए आइटम का नाम लिखा है कीबोर्ड, क्वांटिटी मैंने एक खरीदी, और मैंने जो अमाउंट है उसका वो सपोज 200 रुपये का एक कीबोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये अपने आप आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए टोटल में 200 दिखा रहा है आपको, इस पर 5% भी कैलकुलेट हो गया, उसका 5% कितना है 10 रुपये, और देखिए टोटल हो चुका है ग्रांड टोटल 210 रुपये। अब मैं देखिए दूसरा प्रोडक्ट एड करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा माउस, और मैंने माउस जो लिए है वो 5 माउस लिए, एक माउस 300 रुपीज का है सपोज। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको 1500 दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे ही टैप बटन दबाया कीबोर्ड से, सब कैलकुलेट हो गया, ग्रांड टोटल भी लग गया है आपका, वेट भी लग गया और टोटल भी लग गया। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको क्या बेनिफिट हुआ कि आपको बस केवल डाटा एंटर करना है, पूरा कंप्लीट टोटल वेट और ग्रांड टोटल अपने आप लगता जा रहा है। अब क्या करना होगा आपको, केवल इसका एक कॉपी अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, अपने कस्टमर का यहाँ पर नाम डालिए, डेट डालिए, इनवॉइस नंबर डालिए और उससे प्रिंट निकाल कर दे दीजिए। इस तरह से आपको इसका ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये तो एक डमी एग्जांपल था, देखिए मैंने ऑलरेडी अच्छी सी इनवॉइस क्रिएट करके रखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा उसको, और उसके अकॉर्डिंग भी एक अच्छा सा इनवॉइस बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी इनवॉइस आपके लिए क्रिएट करके रखा हुआ है, आप इसे देखिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम डाला हुआ है, आप यहाँ पर अपनी शॉप का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं अपनी शॉप का, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी, यहाँ पर आप इनवॉइस का नंबर चेंज करके दीजिए हर बार, ठीक है। यहाँ पर आप बायर का नाम लिखिए, जिसको आप रिसिप्ट दे रहे हैं उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल आइटम्स ऐड करने होंगे, बाकी सब फॉर्मूला इसमें मैंने देखिए लगाए हुआ है, और यहाँ पर ये सब कैलकुलेट हो रहा है। देखिए मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाने वाला हूँ, देखिए करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एक नया डाटा एंटर कर रहा हूँ इसमें भी, और यहाँ पर मैंने लिया सपोज माउस, और यहाँ पर जो माउस लिए मैंने वही 5 ले लिए, और एक की रेट दिखा देता हूँ 300 रुपीज़ है, और यहाँ पर मैंने पीस लिखा, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 1500 रुपये आ चुका है, नीचे वेट वगैरह लग चुका है, देखिए ग्रांड टोटल भी आ चुका है। तो इस तरह से भी आप अच्छी सी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसका प्रीव्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको, कैसा दिखेगा जब प्रिंट निकलेगा तो कैसा दिखेगा। देखिए कंप्लीट आपको एक इनवॉइस टाइप का दिखेगा, बस आपको प्रिंट निकालना है और अपनी शॉप की स्टैम्प लगा दीजिए, और स्टैम्प लगाने के बाद आप सिग्नेचर करके इस बिल को या इस इनवॉइस को अपने कस्टमर को दे सकते हैं, यह भी एक एक्सेप्टेबल होता है, इसे कंप्यूटराइज इनवॉइस कहते हैं। सो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।